हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं रोहित यार स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल रोहित की कक्षा में। तो ये वीडियो मैं इस वीडियो में मैं आपको AICTE और UGC के डिफरेंसेस समझाना चाहता हूँ। मैं बहुत देखता हूँ, मैं बहुत लोगों की कन्फ्यूजन्स भी समझता हूँ। बहुत लोग पूछते हैं कि AICTE अप्रूव्ड कॉलेज है कि नहीं है। देखिए, AICTE और UGC दो अलग चीज़ें हैं, लेकिन मेन क्या है वो मैं आपको इसी वीडियो में समझाऊंगा। 5 मिनट से 7 मिनट की वीडियो रहेगी हाईएस्ट, जिसमें मैं आपको यही समझाने की कोशिश करूंगा। और ये बेसिकली झारखंड पे ही बेस्ड रहेगा और बीटेक के एडमिशन पे इम्पोर्टेंट, क्योंकि AICTE का क्या मतलब है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। तो यही इंपॉर्टेंस मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा UGC और AICTE के डिफरेंसेस को। AICTE और UGC में बहुत डिफरेंस है। UGC क्या है, UGC किसी यूनिवर्सिटी को अप्रूव्ड की जाती है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो देश की है, अगर उसने किसी यूनिवर्सिटी को अप्रूव्ड कर दिया मींस उसकी सर्टिफिकेट ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द ग्लोब वो एक्सेप्टेड रहेगी। AICTE क्या है, AICTE किसी कॉलेज को अप्रूव्ड करती है, वो किसी यूनिवर्सिटी को नहीं चलाती है। AICTE जैसे AICTE किसी भी एक कॉलेज को करती, कॉलेज मतलब जो एक जहाँ पे सिर्फ एक कोर्स की पढ़ाई हो, और यूनिवर्सिटी जहाँ पे ढेर सारे कोर्सेज हो। अगर कोई भी कॉलेज, जैसे आप किसी का भी एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, जैसे BIT सिंदरी क्या एक AICTE अप्रूव्ड कॉलेज है, लेकिन उसको चलने के लिए किसी UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी की जरूरत होगी ही। जैसे BIT सिंदरी है, वो JUT झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ एफिलिएटेड है, वो उसके अंडर चलती है, और JUT क्या है, UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है। यही चीज होता है, अगर कोई कॉलेज AICTE अप्रूव्ड नहीं है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। AICTE अप्रूव्ड होने से कॉलेजेस को थोड़ी सी खाली फायदे होती है, जैसे उसको अलग से कुछ फंड्स आती हैं AICTE के तरफ से, कुछ स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप्स ट्रेनिंग्स करने का मौका अलग अलग जगहों पर, यही सब चीज़ें मिलती हैं। ज़्यादा उनको फैकल्टीज बाहर से आते हैं, सेमिनार्स होंगे, वेबिनार्स होंगे, प्लेसमेंट्स के लिए ज़्यादा मौका मिलेगा। तो ज़रूरी नहीं कि AICTE नहीं है तो वो कॉलेज अप्रूव नहीं है। बहुत ऐसे कॉलेजेस हैं जो AICTE अप्रूव नहीं है लेकिन किसी UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड है। मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे बहुत स्टूडेंट होते हैं जिनको नहीं पता है कि UGC का मतलब क्या होता है और AICTE का मतलब क्या होता है। सब यही ज़्यादातर देखते हैं कि AICTE अप्रूव्ड कॉलेज है तो ठीक है, लेकिन AICTE अप्रूव्ड कॉलेज हो चाहे नहीं हो, कोई भी कॉलेज को चलने के लिए UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी के अंडर चलना ही पड़ेगा, नहीं तो वो कॉलेज नहीं चलेगा। कॉलेज एक सिर्फ कोर्स के लिए होता है, यूनिवर्सिटी सब कोर्सेज को चलाती हैं और बहुत सारे कॉलेजेस उनके अंडर चलती हैं। अगर आप सबसे पहले ये देखें कि जो कॉलेज है, जिस कॉलेज में पढ़ने जा रहे हो, वो कॉलेज यूनिवर्सिटी है कि सिर्फ एक कोर्स के लिए, अगर वो कॉलेज है तो किस यूनिवर्सिटी के अंडर चलती है, और जो यूनिवर्सिटी के अंडर चलती है वो UGC अप्रूव्ड है कि नहीं। क्योंकि बहुत ऐसी यूनिवर्सिटीज है झारखंड में, बेसिकली झारखंड है तो JUT के अंडर में बहुत सारी कॉलेजेस चलती है, विनोबा यूनिवर्सिटी उसके अंडर बहुत कॉलेजेस चलती हैं। तो जो भी कॉलेजेस में आप एडमिशन लेते हैं वो देखिए कि यूनिवर्सिटी जिसके अंडर चल रही है वो UGC अप्रूव्ड है कि नहीं, तभी आपका सर्टिफिकेट वैलिड होगा। और अगर कोई कॉलेज में AICTE अप्रूव नहीं है लेकिन फिर भी वो किसी UGC अप्रूव्ड कॉलेज में चल रही है तो बात खत्म। जैसे मैं अभी आपको एक चीज के बारे में बताना चाहता हूँ, जैसे एक RKDF यूनिवर्सिटी है रांची में, जहाँ पे अभी बहुत अच्छे एडमिशंस की चीजें चल रही है, जहाँ पे आपको बहुत कम फीस में मेरे रेफरेंस के थ्रू आपको एडमिशंस मिल सकता है, जहाँ पे आपको 50% 60% इवन 70-75% तक आपका फीस कम हो जाएगा। और साथ में अगर आप कोई कास्ट सर्टिफिकेट झारखंड का रखते हैं, जैसे आप OBC BC1 BC2 SC ST सब में आते हैं, तो आपको ई कल्याण का स्कॉलरशिप भी मिलता है जो झारखंड सरकार देती है। बीटेक में आपको 38,000 से 40,000 रुपया तक का स्कॉलरशिप आपको मिलेगा। सोचिए कितनी फायदे की चीजें हैं। तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, और प्लेसमेंट भी आपको वहाँ पे CSE की हाईएस्ट पैकेज जा रही है 10-12-15 लाख के आसपास, सोच लीजिए इस लेवल के, अगर आपके एकेडमिक्स में अच्छे नंबर है, फीस भी आपका कम लगेगा, उस पर रिव्यू भी बना हुआ है RKDF यूनिवर्सिटी पे, और ऐसे भी आप बीटेक कॉलेज रिव्यूज़ के प्लेलिस्ट सेक्शन में हमारा चेक करोगे तो वहाँ आपको बहुत सारे कॉलेज रिव्यूज़ मिलेंगे। काउंसलिंग के वीडियोज़ देखो, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आज तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक 1,000+ चला गया है, तो वहाँ पर भी आप ज्वाइन करिए। कोई भी चैनल से रिलेटेड अपडेट होगा वहीं पर सबसे पहले आएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मैंने AICTE और UGC के डिफरेंस को समझाया, क्योंकि झारखंड में बहुत ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि अगर AICTE अप्रूव नहीं है तो वो कॉलेज बेकार है। ऐसा नहीं है, वो देखिए कि वो कॉलेज AICTE अप्रूव नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो जिससे एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी से है उस यूनिवर्सिटी का UGC ने ग्रांट किया है कि नहीं। अगर UGC अप्रूव है
सब खत्म, टेंशन फ्री। लेकिन AICTE अप्रूव्ड होगा तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको फंड्स मिलेंगे, एक्स्ट्रा आपको कॉलेज में फैसिलिटीज मिलेंगी, हो सकता है फैकल्टीज थोड़ा बाहर बाहर से आए पढ़ाने के लिए, कुछ कुछ आपको जैसे गेट के क्लासेज मिल जाए। अगर मैं बीटेक की बात करता हूँ तो गेट के क्लासेज मिल जाए, कुछ बाहर के NIT IITs के फैकल्टीज आए आपके यहाँ कॉलेज में एक दो दिन के लेक्चर्स के लिए, ये सब चीज़ें हो सकती हैं AICTE के तरफ से। और नहीं भी रहता AICTE का तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यूनिवर्सिटी कंट्रोल करती है तो यूनिवर्सिटी अपना ये सब सेमिनार्स ये सब फंड्स को अरेंज करती है, वो सब उनका काम होता है। तो इससे कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ आपको मेन देखना है कि कोई यूनिवर्सिटी UGC से अप्रूव्ड है कि नहीं। यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ, कॉलेज के लिए आप AICTE जरूर देखें, लेकिन अगर AICTE नहीं है तो कोई बड़ी इशू नहीं है। आप टेलीग्राम ग्रुप में आइए, वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, आपको बहुत कुछ वहाँ पे फायदेमंद चीजें हैं, ठीक है। और मैं आपको RKDF यूनिवर्सिटी के बारे में यही बता रहा था कि उसकी भी वीडियो बन चुकी है, आप देखिए, बहुत अच्छा है कॉलेज, है बहुत सही है, आपको कम फीस में मिल जाएगा। फीस देखिए, आप डायरेक्ट जाइएगा अपने से, आपको फीस देना ही पड़ जाएगा पूरा का पूरा, लेकिन अगर आप मेरे रेफरेंस के थ्रू जाइएगा तो आपको बहुत कम फीस लगेगा। जैसा आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टाग्राम ट्विटर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक सब कुछ मिल जाएगा। तो मिलता हूँ आपसे आगे की वीडियोज़ में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।